हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक चैलेंज लेके आई हूँ जो कि है एलोवेरा जेल चैलेंज। इस चैलेंज में मैंने एलोवेरा जेल को अपने बालों पे पूरे 7 डेज़ के लिए अप्लाई किया है और साथ ही साथ में हर दिन का रिजल्ट भी मैंने इसी वीडियो में आगे शेयर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप कभी आगे जाके अगर ये चैलेंज करते हो तो आपको कोई भी ना तो कन्फ्यूजन रहे और ना तो कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 7 डेज़ का एप्लीकेशन और हर दिन का रिजल्ट मैं आपको शो करूंगी। सेकंड टॉपिक रहेगा क्या हमें हर बार ही शैम्पू करना जरूरी है। थर्ड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी देर तक हमें एलोवेरा जेल को रखना है अपने बालों पर। फोर्थ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा डे 7th डे का सिमिलर रिजल्ट दे सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग वहाँ पे प्लीज़ कर लो। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम स्क्रीन पे दिया हुआ है, वहाँ पे मैं डेली आजकल तो डेली रील्स पे कोई ना कोई रेमेडी डाल रही हूँ, कोई ना कोई टिप्स आती रहती हैं। तो मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज करके मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। इंस्टालिंग डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना क्योंकि उसी से आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एलोवेरा जेल की बात करते हैं। एलोवेरा जेल को यूज़ करने से पहले आपको कुछ इस तरह से इसे स्ट्रेट रखना होता है ताकि इसका जो येलो लिक्विड है वो नीचे से निकल जाए। इसके बाद आपको इसे अच्छे से ग्राइंड करके जेल बनाना होता है और इसे यूज़ करना होता है। आप इस जेल को चाहो तो 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। मैंने सिर्फ एक बार इसे स्टोर करके रखा था फ्रिज में, इसके बाद मैंने हर बार इसे फ्रेश बनाया है। आपको जो है एलोवेरा जेल प्लांट वाला ही यूज़ करना है, आप केमिकल वाला यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी कि किसी भी ब्रांड का यूज़ नहीं करना है बिकॉज उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे नहीं तो थोड़े से केमिकल्स ज़रूर होते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगी कि कोई 7 दिन तक लगातार अपने बालों पे केमिकल अप्लाई करे, तो आपको यहाँ पे नेचुरल ही यूज करना है। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये है एलोवेरा जेल को अप्लाई करने के पहले की क्लिप है। इसमें बस 2 दिन पहले ही मैंने जस्ट अपने बालों को इसमें वॉश किया है। तो चलिए डे 1 पे चलते हैं। तो गाइस आज डे 1 है और आज का रिजल्ट जो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं बाल। जैसे मतलब अभी भी मैं अपने बालों को टच कर रही हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं और एक अलग से बाउंस आया है मेरे बालों पे। मतलब जैसे जस्ट अभी मैंने पोनी की हुई और अभी जिसमें जैसे सीढ़ियों से चढ़ के आई ना ऊपर, तो मुझे काफ़ी एक एक्स्ट्रा बाउंस, जैसे नहीं बाल उड़ते हैं हवा में उस टाइप का, मतलब काफ़ी अच्छा बाउंस आया है। मतलब आज का जो मेन बेनिफिट मुझे मिला वो था एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एक्स्ट्रा बाउंस्ड बाल। तो ये है 24 आवर्स के बाद का रिजल्ट। मुझे ऐसा फील होता है कि 24 आवर्स के बाद बाल थोड़े से सेटल होना स्टार्ट होते हैं तो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बट ये काफ़ी सेम है, कल जैसा रिजल्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो गाइस ये आज का रिजल्ट है यानी कि डे 2 का रिजल्ट है। आप कल से कंपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो ये रिजल्ट आपके सामने है कि कल से मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है अपने बालों पे, काफ़ी ज़्यादा थिक बाल लग रहे हैं। आज हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हुआ वॉश करते टाइम, तो थोड़े से जो बालों में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, वॉल्यूम यानी कि ना एक वेट रहता है ना जब आप अपने बालों को हाथ में उठाते हो पोनी बनाने के लिए, तो एक वेट आता होगा कि काफ़ी पतले लगते होंगे, तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि हाँ हाथों में हैं, बालों को पकड़ा है मैंने हाथों में। तो जैसे ऐसे उठा के ऐसे बालों को ऐसे छोड़ते तो बैक पर फील होता है ना कि बाल आए हैं करके, तो वैसा वाला एक वेट आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट हैं, कल से काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो गाइस आज डे 3 है और आज का जो रिज़ल्ट है ना काफ़ी अमेजिंग है। मतलब जो सॉफ्टनेस बढ़ी है ना वो पिछले और पिछले यानी कि कल का और परसों का दोनों को मिला कर के भी ना डबल सॉफ्टनेस बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं बाल। और जो मेन रिज़ल्ट आज का दिखा ना वो सिल्कीनेस, एक अलग से सिल्की होते हैं ना बाल आपके कि हाँ वो सिल्की नज़र आ रहे हैं, सिल्कीनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा शाइन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हद से ज़्यादा मेरे बाल शाइन कर रहे हैं। आपको थिक नहीं लग रहे होंगे आज बाल बिल्कुल भी, क्योंकि जब थिक होते ना तो हल्की सी ड्राइनेस वाली फीलिंग आती है, बट आप ये वाली इमेज से देख सकते हो कि थिक तो ठीक है पर एक सिल्कीनेस होता है ना कि हाँ बाल सिल्की हैं, तो वो सिल्कीनेस एक अलग होती है और शाइनी। तो सिल्की और शाइनी आज का जो मेन रिजल्ट मुझे दिखा, सिल्की शाइनी और सुपर सॉफ्ट बाल हैं। मतलब आप अभी भी देखो हाथ से भी मैं निकाल रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा एक सिल्कीनेस ऐड हो गया है बालों में आज के दिन। तो गाइज़ आज डे 4 है और डे 4 का जो रिज़ल्ट है मुझे डे 2 से काफ़ी सिमिलर लग रहा है। मतलब मुझे जैसा डे 2 पे फील हो रहा था ना कि बाल काफ़ी वॉल्यूम मतलब ज़्यादा है, काफ़ी वेट ज़्यादा नज़र आ रहा था, सॉफ्ट ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो आज भी मुझे वैसे ही लग रहे हैं। कल से थोड़े से कम सॉफ्ट लग रहे हैं, सिल्कीनेस बिल्कुल नहीं है, बट हाँ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आपको कहीं पर भी बाल खोल के जाना हो ना
तो वॉल्यूम नज़र आना चाहिए। तो आज के दिन का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, और प्लस अगर आप हेयर स्टाइल्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आज के दिन पे हेयर स्टाइल्स काफ़ी अच्छी बनती हैं। मतलब नीचे से बहुत थिक लगते हैं और ऊपर से काफ़ी शाइनी लग रहे हैं बाल। तो आज डे 5 है और आज का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब जैसे कल थिकनेस लग रही थी वैसी आज थिक लग रहे हैं, बट आज ना मुझे हल्के से लंबे लग रहे हैं। एक्चुअली कल भी लग रहे थे रात में, बट शाम तक वीडियो एडिट हो चुका था तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। बट आज ना मुझे थोड़े से लंबे लग रहे हैं बाल डे 1 से। और मेन चीज़ ना आज के दिन पे भी ना सिल्कीनेस काफ़ी ऐड हो गई, जैसे डे 3 का रिजल्ट ना वैसे ही डे 5 पे कॉपी हुआ है। मतलब ऐसा हो रहा है क्या कि एक दिन छोड़ के एक दिन हम कॉपी करते जाएंगे, डे 2 को, डे 4 कर रहे हैं, डे 5 डे 3 को कर रहा है, तो मतलब काफ़ी सा सिमिलर रिजल्ट नज़र आ रहा है मेरे को। तो डे 5 पे सिल्कीनेस ऐड हुई है, थोड़े से शाइनी हुए हैं, हल्के से लंबे लग रहे हैं मेरे को बाल, और ब्यूटीफुल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग ही रहे हैं। और मेरे बाल थोड़े से वेवी ज़रूर हैं, तो स्ट्रेट तो मुझे किसी में भी नहीं लगे, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो गाइस आज डे 6 है और आज का जो रिज़ल्ट है ना काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला है। मतलब आज के जो मतलब रिज़ल्ट है ना, मतलब ना तो कोई सिल्कीनेस था, सॉफ्ट ज़रूर थे लेकिन डे 1 जैसा सॉफ्ट था, ज़्यादा सॉफ्ट भी मैं नहीं बोलूँगी, और थिकनेस फिर भी ठीक है, पर स्टिकी काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब खोलो ना तो मतलब बहुत गर्मी सी अलग ही स्टिकी जैसे होते हैं ना, कि बहुत स्टिकी बाल थे आज के दिन। हो सकता है मैंने शैम्पू नहीं किया है आज के दिन इस वजह से ऐसा लग रहा हो, पर काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टिकी बाल लगे, तो आज का जो रिज़ल्ट है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो इच्छा नहीं हो रही कल के दिन भी अप्लाई करने की, पर ठीक है 7 डेज़ है, कल का आखिरी दिन है तो कर लेंगे, पर ठीक ठाक था रिज़ल्ट आज का। तो गाइस आज अपना फाइनल डे है, डे 7 था, ये डे 7 का रिज़ल्ट है मेरा। तो आज के दिन का काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट है, जो मेरे बाल हैं काफ़ी ज़्यादा थिक हो गए हैं आज। मतलब आप देख सकते हो कि कल से काफ़ी ज़्यादा आपको थिक नज़र आ रहे होंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा थिकनेस ऐड हो गई है, वॉल्यूम ऐड हुआ है, वेट नज़र आ रहा है बालों पर, हाथों में उठाने पर वेट लग रहा है, वॉल्यूम लग रहा है। और दूसरी चीज़ सिल्कीनेस के साथ ही ये थिकनेस ऐड हुई है, मतलब इतने दिनों तक थिक थे या तो सिल्की थे, पर आज सिल्कीनेस भी ऐड है, थिकनेस भी ऐड है, मतलब दोनों साथ में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो आज एक परफेक्ट हेयर डे वाला डे है आज का, तो सबसे बेस्ट डे है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं पूरा दिन बाल खोल के बैठी हुई हूँ आज, इतना ज़्यादा। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको कभी सिल्कीनेस, आपके बाल सिल्की हो ही ना, आपके बाल हमेशा से ड्राई हों और आपको अचानक से इतनी सारी सिल्कीनेस दे दी गई हो तो हैंडल नहीं होती है, तो वैसा वाला फील है आज, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं, हमको आगे टॉपिक्स डिस्कस करने, तो वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो पहला टॉपिक है, क्या हमें हर बार ही शैम्पू करना है कि नहीं करना है। तो देखो मैं तो नेचुरल शैम्पू यूज़ करती थी, शैम्पू की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो नेचुरल शैम्पू क्या है ना कि हार्मफुल नहीं रहता है, तो फिर भी मैं 2 दिन शैम्पू अप्लाई करके 1 दिन छोड़ देती थी। बट आप ऑब्वियसली केमिकल वाला यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना है कि शैम्पू 1 दिन छोड़ के 1 दिन करना है ऑल्टरनेट डेज, या तो नेचुरल शैम्पू बना करके रख दो 7 दिन के लिए, या तो फिर ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से शैम्पू को अप्लाई करो अपने बालों पर। नेक्स्ट टॉपिक है कि आप एलोवेरा जेल को कितनी देर तक अपने बालों पे रखना है। तो मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन पे तो 30 से 40 मिनट्स तक रखा था, बट उसके बाद मैंने 20 से 30 मिनट्स तक रखा और रिजल्ट दोनों के सेम थे। तो जब सेम रिजल्ट दे रहा है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करना है ना। तो 20 से 30 मिनट्स आपके लिए मैक्सिमम होंगे, 20 से 25 भी मैक्सिमम है। तो लास्ट टॉपिक की बात करते हैं कि कौन सा डे आपको गुड हेयर डे दे सकता है, परफेक्ट हेयर डे होगा आपके लिए, या कौन सा आपको सिमिलर रिजल्ट्स दे सकता है। तो डे 3 और डे 7, तो डे 3 पे भी सिल्कीनेस ज़्यादा थी, शाइनी ज़्यादा थे, डे 7 पे भी सेम था। हाँ, ये जो बेनिफिट्स मिले ना डे 3 पे, उनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज़ होकर डे 7 तक पहुंची है, पर जब सेम अमाउंट ऑफ दे रहा है बेनिफिट्स, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। आप डे 3 तक सिंपली अप्लाई करो एलोवेरा जेल, सेम क्वांटिटी मिलेगी है ना, डे 7 तक आप करोगे फालतू हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि इतना ज़्यादा आप हेडेक मत पालो, क्योंकि डेली हेयर वॉश करना इजी नहीं है। तो डे 3 डे 7 सबसे बेस्ट थे। और अगर आप थिकनेस के बेसिस पे मैं आप अगर कंपेयर करके बताऊं, तो डे 2 और डे 4 दोनों की जो थिकनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, क्योंकि इस पे जो वेट है वो मुझे दोनों पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया, काफ़ी सिमिलर था। जितना डे 2 पे मुझे वॉल्यूम नज़र आया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डे 4 पे नज़र आया। तो अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए अपने बालों पे, तो आप 2 दिन तक अप्लाई करो, अगर 2 दिन तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो 4 दिन तक अप्लाई करो, उसके बाद तो आप मत करना, क्योंकि उसके बाद आपको थिकनेस एडिट नहीं मिलेगी, बाकी सिल्कीनेस आपको मिलता जाएगा। तो ये था थिकनेस के बेसिस पे, बट वैसे अगर कंपेयर किया जाए तो डे 3 डे 7 के सबसे परफेक्टली मैच करता है, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा है। और आप ये जो रिजल्ट देख रहे हो डे 1 से डे 7 तक का, तो डे 1 से डे 7 तक आप देख सकते हो सिल्कीनेस काफ़ी एडिड हुई है, इसमें अच्छे से शो हो रही होगी सिल्कीनेस काफ़ी एडिड हुई है, थिकनेस एक अलग से बढ़ गई, थिकनेस आप दिख ही रही होगी दोनों में, मतलब काफ़ी अच्छी बढ़ गई है एलोवेरा जेल प्लस
होता है ना करने से और यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई करने से। तो चलिए यही था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत करिए। 7 दिन तक हेयर वॉश करना इजी चीज़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, मेरे को तो और भी ज़्यादा होता है, तो मैंने मेहनत करी है। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।